हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ड्राई चिकन चिली की रेसिपी। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, चिकन चिली ऑर्डर करते हैं, तो क्यों ना इसे घर पे बनाया जाए। ये इतनी ऑथेंटिक और इतनी डिलीशियस है कि आप इसे अगर एक बार घर पे बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। चिली चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन को रेडी करना है। उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे 1 किलो चिकन। उसके बाद हमें चाहिए एग, 1 एग, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 5 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च। सबसे पहले चिकन को वॉश कर लेंगे। उसमें सबसे पहले डालेंगे कॉर्न स्टार्च, फिर गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, एग और सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम आधे घंटे के लिए रखेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे इमीडिएट भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने इसे आधे घंटे के लिए रखा है। उसके बाद लेंगे एक पैन, ऑयल डालेंगे और चिकन को फ्राई करना शुरू करेंगे। एक साइड से चिकन हो जाए उसके बाद हम उसे पलट देंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि गैस का फ्लेम हमको लो रखना है, जिससे कि इसमें एक क्रिस्पी टेस्ट आ सके। दोनों साइड से चिकन को अच्छे से कुक कर लेंगे। ये देखिए, हमारा चिकन दोनों साइड से कुक हो चुका है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद लेंगे एक पैन, उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें सबसे पहले गार्लिक डालेंगे। यहाँ मैंने 3 से 4 गार्लिक क्लोव्स लिए हैं, उसको मीडियम स्लाइस में काट लिया है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ अनियन। यहाँ मैंने 2 बड़े अनियन यूज़ किए हैं, उसको बड़े बड़े साइजेस में काटे हैं। सॉटे करेंगे। इसके बाद मैंने इसमें डाला है कैरेट। यहाँ मैंने 1 कैरेट लिया है, उसे बड़े बड़े स्लाइसेस में कट कर लिया है इस तरह से। थोड़ा सॉटे करेंगे। उसके बाद मैंने डाला है इसमें मशरूम। यहाँ मैं 1 पैकेट मशरूम का लिया है, उसे भी सॉटे करेंगे। इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। इसके बाद इसमें हमें डालना है ब्रोकली। यहाँ मैंने 1 ब्रोकली को छोटे छोटे साइजेस में इस तरह से कट कर लिया है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ब्रोकली को भी हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे रेड, येलो और ग्रीन कैप्सिकम। यहाँ मैंने तीनों कैप्सिकम को आधा आधा यूज़ किया है, उसका सीड निकाल दिया है और उसे बड़े बड़े साइजेस में कट किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पे 2 टमाटर, उसे भी मैंने सिर्फ 4 भागों में काटा है। लास्ट में मैंने डाला है इसमें ग्रीन चिली। यहाँ मैंने 4 से 5 ग्रीन चिली यूज़ की है, आप चाहें तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फाइनली हमको डालना है चिकन, जो हमने अभी प्रिपेयर किया था। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद हमें इसमें डालना है लेमन। यहाँ मैंने 1/2 लेमन यूज़ किया है। उसके बाद डालेंगे सोया सॉस। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून सोया सॉस यूज़ किया है। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून अजीनोमोटो यूज़ किया है। इसके बाद डालेंगे हम 5 से 6 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। अच्छे से कुक हो जाए उसके बाद लास्ट में इसमें डालेंगे हम सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सॉल्ट डिसॉल्व हो जाए तब तक इसे पकाएंगे।
इसे एक प्लेट में निकालेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये देखिए लग रही ना एकदम डिलीशियस, हमारा चिकन चिल्ली बनके रेडी है। इसे गार्निश करेंगे कोरिएंडर लीव्स और लेमन स्लाइस के साथ। इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करिए। ट्राई करने के बाद अगर आपको ये पसंद आती है तो इस रेसिपी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।